हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ आप लोगों को कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अचार का मसाला। हाँ जी फ्रेंड्स, हम अचार डालते हैं तो बाज़ार से मसाला लेके आते हैं तो पता नहीं कब का रखा होता है, कैसा होता है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बिल्कुल बाज़ार के जैसा जो मसाला है वो घर में आप कैसे तैयार करें और उसको तैयार करने के लिए आपको किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप चाहे उसमें आमी का अचार हो, कैरी का अचार हो, कैरिए का अचार हो, या फिर आप और भी कई अचार हैं, कैरी गुंदे का अचार है, तो उन सब का अचार को आप इस मसाले के साथ डाल सकते हैं। ये बहुत ही मतलब यूज़फुल है ये और बिल्कुल बाज़ार के जैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स बताऊँ आपको वीडियो में किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैंने एक कटोरी सौंफ ली है, कलौंजी है और मेथी दाने हैं, जो सूखी मेथी दाने वो हैं, नमक है और लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हम मसाले यूज़ करेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर है तो वो हमें थोड़ा सा कलर वाला यूज़ करना है, थोड़ा हल्का सा तीखा और कलर वाला हो वो। तो ये देखिए मैं बाकी को रख दी हूँ और मैं आपको बताऊँ ये मैंने सौंफ और मेथी जो ली है इनको हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक फ्राई पैन रखा है और उसमें मैंने डाल दी है मेथी दाना। तो बस हम इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, हमें इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करें ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये गर्म होने लग गया है। और जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का मेथी का जो कलर है वो चेंज होने लग गया है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ऐसा ही हम जो सौंफ है उसको डालेंगे फ्राई पैन में और उसका भी मतलब हल्का सा मॉइस्चर जो होता है इसके अंदर वो निकाल लेंगे। और सौंफ को और मेथी को कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये टिप्स है, जब भी आप ऐसे मसाला तैयार करो तो सौंफ और मेथी को अलग अलग ही आपको ड्राई रोस्ट करना है और अलग अलग ही इनको पीसना है। देखिए सौंफ भी हमारी ड्राई रोस्ट हो गई है तो इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जो सौंफ होती है वो बहुत ही मतलब लाइट होती है, फटाक से वो पीस जाती है और भुन भी जल्दी जाती है। और जो मेथी दाना होता है वो हार्ड होता है तो उसको पीसने में भी टाइम लगता है, जैसे हम मिक्सी में डालेंगे तो पीसने में भी टाइम लगेगा और ये ड्राई रोस्ट भी थोड़ा सा टाइम लेके होगा। तो देख सकते हैं आप हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो गया है, अभी हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इसको पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जो मेथी दाने थे उनको पीस लिया है, ये देख सकते हैं। तो मैं इसको दोनों को अब पीसने के बाद में एक बाउल में निकाल लूँगी दोनों को एक साथ। तो चलिए मेथी दाना पीस लिया, अभी हम सौंफ को भी पीस लेते हैं। और इसको हमें ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है दोनों को। तो देखिए मैंने दोनों को पीस लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स इस मसाले की ये है कि आप इसको बना के रख सकते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में ताकि इसमें मॉइस्चर ना हो, और आप इसको 6-7 महीने तक मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि इसको ड्राई रोस्ट करके पीस के आप रख दीजिए और उसके बाद में जो जो ज़रूरत पड़े वो मसाले आप इसके अंदर ऐड करते जाइए और इसको यूज़ करते जाइए। तो देखिए मैंने कलौंजी डाल दी है और ये मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और ये डाल दी मैंने लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं जो मैं इसमें अचार में डालते हैं वो सारे, और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इस मसाले के साथ में अचार डालते हैं तो वो काफ़ी दिन तक चलता है, मतलब साल भर तक, 2 साल तक बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होता है। और अगर आपका अचार ख़राब हो रहा है तो उसमें हल्का सा 2 चम्मच आप सिरके की डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसमें देखिए अभी नमक नहीं डालूंगी क्योंकि मैं अभी अचार नहीं डाल रही हूँ, इसको मैं पहले बना के रख रही हूँ। तो जैसे ही आप अचार के लिए मसाला लो उसी टाइम आप जितना रिक्वायरमेंट हो उतना आप नमक इसके अंदर डाल दीजिए। तो आप नमक इसके अंदर मिक्स करके नहीं छोड़ें,
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये तैयार हो गया है सारा मसाला। तो कलर भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। तो आपको मेरा ये मसाले का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके तो मेरे को ज़रूर बताना, और मैं आपको फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।